दोस्तों, भारत के मुसलमान ऐसे उसे बेशर्म कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हम अक्सर देखा करते हैं ना कि भारत में यदि कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो आतंकवादी का समर्थन करता हो, चाहे वो देश का बुरा चाहता हो, वो या किसी भी प्रकार का देश का बुराई किया हो, देश के करोड़ों संपत्ति अरबों संपत्ति का नुकसान पहुँचाया हो, किसी तरह से बम विस्फोट किया हो, चाहे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान किया हो ना, तो उसको यदि मार दिया जाए तो लोग सबसे पहले जो उनकी कौम के लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा यही बोला जाता है कि वो मुसलमान था इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन कोई भी मुसलमान कितना भी अपने देश में गलत कर लेना, तो कोई भी मुसलमान सामने आकर के नहीं बोलता है कि वाकई में वो गलत था। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी किस तरह से अतीक अहमद को मारे जाने के बाद, अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद, और किस तरह से उसके बेटे को मारा गया, तो इसमें जो उसके कौम के लोग हैं उन लोगों के द्वारा बार बार यही बोला जा रहा है कि योगी सरकार गलत कर रही है, यूपी पुलिस गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रही है। लेकिन उन लोगों के द्वारा किस तरह से उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में किस तरह से अत्याचार किया गया, किस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया, किस तरह से उन लोगों के द्वारा आतंकवादियों का समर्थन किया गया। लेकिन और ऐसा नहीं है कि उसके कौम के जो लोग हैं जो आज अतीक अमर रहे, अतीक शहीद है और अतीक जिंदाबाद इत्यादि के नारे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं कि अतीक अहमद वास्तव में कितना बड़ा गैंगस्टर था, कितना बड़ा क्रिमिनल था, किस प्रकार से लोगों को डरा धमकाकर उसके संपत्तियों को हड़प लेता था, किस प्रकार से गरीब लोगों को लूटता था और किस प्रकार से उसका रवायत था उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, ये सभी को पता है। लेकिन आज वो लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में जो अतीक अहमद था वो खराब व्यक्ति था, क्योंकि ये उनके नस नस में, उनके कौम के जो लोग हैं उनके नस नस में यही बताई जाती है कि यदि कोई भी तुम्हारे बिरादरी का हो, तुम्हारे कौम का हो, यदि वो गलत भी करे तो तुम्हें उसका समर्थन करना है, क्योंकि उन लोगों का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ भारत में किसी भी प्रकार का माहौल कर दिया जाए उन लोगों के द्वारा, चाहे वो भारत का बर्बाद करने का प्लानिंग बना रहा हो, चाहे भारत में किसी भी प्रकार का अनहोनी करने की प्लान बना रहा हो, लेकिन फिर भी उस कौम के लोगों के लिए वो व्यक्ति अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है भारत में अपनी जो बिरादरी है, अपनी जो समाज है, अपना जो धर्म है मुस्लिम है, उसकी बहुलता को दिखाना तथा किस प्रकार से अपना प्रभाव है उसको छोड़ने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये उन लोगों को मन में, उन लोगों के विचारों में कूट कूट करके भरा जाता है, और छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ों तक इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से उन्हें बताई जाती है कि किस तरह से, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे क्यों न अपने देश को ही बर्बाद करने की क्यों न प्लानिंग बना रहा हो, लेकिन उन लोगों का समर्थन हर हाल में करना है। और ऐसा ही आज हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवाई में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद, अशरफ अहमद देश के लिए बहुत ही ख़राब साबित हो रहा था, देश को नुकसान करने का, देश को बर्बाद करने का पूरी तरह से प्लानिंग बना रहा था, बहुत से गरीबों को लूटा, बहुत सारे गरीबों को सताया। लेकिन आज जब उसकी मूर्ति हो गई, जब उसे मार दिया गया, तो किसी ने यह नहीं बोला कि वाकई में जो अतीक अहमद था वो गलत आदमी था। और जो लोग जान रहे हैं, जिन लोगों को अतीक अहमद, जिन मुस्लिमों को भी अतीक अहमद सताया है ना, वो मुस्लिम भी आकर के सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज उसके मरने के बाद जो उसे चले लपेटे और जो उनके नाजायज औलादे हैं ना, उन लोगों के द्वारा उस पर प्रेशर आ सकता है, उन लोगों को मारा भी जा सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है उन लोगों के द्वारा। और यही सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के कौम में कूट कूट करके भरी हुई है कि चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो देश का बुरा चाहता हो, भला चाहता हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि वो तुम्हारे समाज का है तो तुम्हें उसका समर्थन करना अनिवार्य है।